नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोग महिला सुरक्षा पर सवाल कर रहे हैं। इधर पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए हैं और आरोपियों का वीडियो और पूरी कुंडली सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर की रात को महिला डॉक्टर को ड्रग ड्राइवर और उसके साथियों ने अगवा किया। आरोपी पीड़िता को सुनसान जगह पर ले गए और उसे जबरन शराब पिलाई और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी ने मुंह और नाक दबाकर पीड़िता की जान ले ली। इसके बाद वहां से 27 किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर उसका शव जला दिया। शव के पास ही पीड़िता का फोन, घड़ी सब छिपा दिया। चारों आरोपी बचपन के दोस्त हैं। आरोपी मोहम्मद आरिफ ट्रक ड्राइवर है, बाकी तीनों क्लीनर है। आरोपियों में कोई 18 साल का, कोई 20 साल का तो कोई 22 का है। पुलिस के मुताबिक शिवा ही सबके लिए शराब लाया था। आरिफ ने पीड़िता से पहले जबरदस्ती की। आरिफ, नवीन, शिवा तीनों मिलकर पीड़िता को उठाकर सुनसान जगह ले गए। आरिफ ने ही मुंह दबाकर हत्या की, उसी ने पेट्रोल छिड़का और शिवा ने आग लगाई। हैदराबाद केस की जांच के दौरान जो खुलासे हुए हैं उससे यही लग रहा है कि शराब के नशे में धुत आरोपियों ने खौफनाक वारदात को ऐसे अंजाम दिया मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब पीड़िता को मौत के हवाले कर आराम से घर चले गए। पुलिस को पीड़िता का शव शमशाबाद के बाहरी इलाके में मिला। पुलिस की रिमांड कॉपी के अनुसार 27 नवंबर की रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी। डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, फिर हत्या के बाद शव जलाने की विभत्स घटना से पूरे देश में गुस्सा है। हैदराबाद में जिस पुलिस थाने में इस वारदात के आरोपियों को रखा गया है उसकी भनक लोगों को लगी तो कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों ने थाना घेर लिया। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर इस कस्बे के पुलिस थाने के सामने हमें न्याय चाहिए का नारा लगाते हुए स्थानीय निवासियों ने धरना दिया, जिसमें महिलाएं और छात्र भी शामिल थे। वे आरोपियों को बिना पूछताछ और बिना सुनवाई के जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। इस हैवानियत के खिलाफ संसद के सामने अनु दुबे नामक की एक लड़की धरने पर बैठ गई और रोने लगी। डॉक्टर से हैवानियत का गुस्सा और दर्द हर जगह छलक रहा है। लोग इतने भड़के हुए हैं कि ऑन द स्पॉट आरोपियों को बिना दलील अपील के फांसी देने की मांग कर रहे हैं। 2012 में 16 दिसंबर को हुए गैंग रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत में सोशल मीडिया के दौर का यह पहला मामला था जिसने जन चेतना मुखर कर दी थी। इस स्थिति में पीड़िता की निजता बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष निर्देश जारी किए थे। यह ऐसे समय हुआ जब निर्भया मामले में पीड़िता के अभिभावक चाहते थे कि उनकी बेटी का नाम सार्वजनिक हो। बीते अक्टूबर में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा 5,562 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। इसी सूची में 3,305 रेप मामलों के स्थान में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। पनिशमेंट से कम रेप पे सज़ा नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के जो निशंस अपराधी घूम रहे हैं हमारे समाज में उनको कोई डर नहीं है क्योंकि लॉ का इस तरह से मतलब दुरुपयोग होता है हमारी कंट्री में। तो मुझे लगता है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और जितने भी जो है सरकार के लोग हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि इस पर भी एक सख्त कानून बनाए। हमारे सिस्टम से, हमारे व्यवस्था से हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि 2012 में जब घटना हुई इतना लोग एकजुट हुए, एकजुट आवाज उठाए कि नहीं हमारे समाज में, हमारे देश में अब ऐसा क्राइम नहीं होगा। सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए, कानून बनाए, लेकिन ये हैदराबाद की केस, ये रांची की केस, ये कैसे हमें फिर 2012 की याद दिलाती है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं बदला। सजा तो बहुत है, इसे न्याय मिलना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। कब तक हम अंदर रहेंगे, घुट घुट के जिएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।